कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। दो नंबर हमें दिए हुए हैं 135 और 225। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इनका HCF निकालना है। HCF बड़े से बड़ा वो नंबर होता है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हों। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने पढ़ी थी जो कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसी प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों नंबरों में से कौन सा बड़ा नंबर है। यहां देखिए 135 और 225 में से 225 बड़ा नंबर है, तो हम जब भाग करेंगे तो 225 को अंदर रखेंगे, जो छोटा नंबर है 135 उसको बाहर रखेंगे। अब इनको भाग करेंगे तो देखिए ये 135 है, 225 है, तो यह एक के पहाड़े पर आएगा 135। पांच में से पांच गए जीरो, दो इधर से हासिल लेगा, 12 में से तीन गए नौ, एक में से एक गया जीरो। अब यहां बच गया 90, ये 135 से छोटा है, ये आगे भाग नहीं जा सकती। यहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पहला स्टेप लिखेंगे, वो है ए, ए था भाज्य, यानी कि यहां लिख रहा हूं नीचे 225 बराबर है बी जिससे भाग किया भाजक गुना एक जिससे जो भागफल आया प्लस जो शेष आया 90। ये बन गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अभी हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, अब ये 90 135 से छोटा है, आम भाग में तो हम यहां दशमलव लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, HCF के लिए आपने चौथी पांचवी में जब HCF किया था तब भी ये किया था कि HCF के लिए अब क्या करते हैं, इस 90 को बाहर कर देंगे, यहां एक नई भाग शुरू हो जाएगी जिसमें अंदर अब 225 नहीं आएगा, वो तो खत्म हो गया, अब अंदर आएगा ये वाला नंबर जिससे आपने आखिरी बार भाग किया था, ये यहां आ जाएगा 135। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 90 तो यहां से शेषफल आया था, ठीक है, तो 135 जिससे आखिरी बार भाग किया था, ये 90 इसे छोटा था इसलिए अब ये 135 अंदर आ गया, 90 बाहर आ गया। 90 को 135 को 90 से भाग करना, ये 90 के एक के पहाड़े में चल जाएगा, 90 एकम 90। पांच में से जीरो निकाले पांच, 13 में से नौ निकाले चार। यहां पर अब देखिए 45 90 से छोटा हो गया, यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से हम अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे, ये बीच में जो होता है जिससे भाग किया वो होता है ए, यानी मैं यहां लिख देता हूं एक बार आपके लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 135 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी, बी था 90 गुना, ये किससे गुना हुआ, एक से, क्यू है एक प्लस आर, आर है शेष, शेष कितना बचा हमारे पास 45। तो ये आ गया इसका दूसरा स्टेप, हम ऐसे ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास शेषफल जीरो नहीं आता। अब जैसा हमने यहां किया था 45 छोटा है तो 45 अब बाहर रहेगा और अंदर क्या आएगा, जिसे आखिरी बार भाग किया था, देखिए आखिरी बार इससे पहले भाग किया गया था 90 से, तो 90 अब अंदर आ जाएगा, और हम जानते हैं 45 के पहाड़े में 90 आता है, 45 दूनी 90, तो देखिए हमारा शेषफल जीरो आ गया। इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखेंगे, तो बीच में भाज्य है 90 बराबर, पहले है इससे 45 यानी भाजक है 45 बी गुना क्यू शेषफल है 2 प्लस आर, आर शेष सॉरी भागफल है 2 और शेषफल है 0। मैंने कहा था इसको हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो शेषफल है वो 0 आ गया। अब हमें तो निकालना था 135 और 225 का HCF, तो HCF ऑफ 135 एंड 225 कितना होगा, HCF ध्यान से सुनना, HCF कितना होगा जिसको आखिरी बार भाग किया गया, आखिरी बार भाग किससे किया गया था 45 से किया गया था, आखिरी बार भाग किससे किया गया था 45 से किया गया था, इसका मतलब 135 और 225 का जो HCF होगा वो होगा 45। याद रखेगा
HCF होता है बड़े से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आते हो, तो 45 बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 135 और 225 आता है। ये HCF तो हम पांचवी छठी में भी सीखते थे। हमने इस क्लास में क्या किया है, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख लिख कर HCF निकाला है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके हिसाब से हमने पहली बार इसको लिखा, फिर दूसरी बार इसको लिखा, तीसरी बार इसको लिखा, और ऐसा करने से हमें आखिरी स्टेप में जब शेषफल जीरो आया, सबसे इंपॉर्टेंट यह कि जब शेषफल जीरो आएगा तभी HCF मिलेगा। शेषफल जीरो आया तो हमने देखा कि HCF है जिससे आखिरी बार भाग किया गया वो था 45। आप इसके बाकी प्रश्न भी कीजिएगा, पहले प्रश्न के बाकी भाग आप कीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी में कितने सैनिक हैं, 616। बैंड में जो उनके साथ ड्रम वाले बैंड वाले होते हैं उनमें कितने सदस्य हैं, 32। लेकिन दोनों की लाइनें इस प्रकार से बनानी है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि अगर आर्मी की 12 लाइनें होंगी बैंड की भी 12 लाइनें होंगी, आर्मी की यदि 10 लाइनें होंगी बैंड की भी 10 लाइनें होंगी, आर्मी की यदि 8 लाइनें होंगी तो बैंड की भी 8 लाइनें होंगी, लेकिन वो कितनी होंगी वो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 616 और 32 का HCF। HCF कैसे निकालना है, जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन में सीखा, ठीक है। इन दोनों में से देखिए 616 बड़ी संख्या है, 32 छोटी संख्या है, इसको पूरा भाग कीजिए। यदि भाग आगे कंटिन्यू हो तो जैसा आपने पिछले स्टेप में किया बिल्कुल वैसा ही इसको कर और आपने इनका HCF निकालना है, वही होगी आपके स्तंभों की संख्या। जो भी आपका इसको सॉल्व करके यहां HCF आ जाएगा वही स्तंभों की भी संख्या होगी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं से कर लेंगे। थैंक यू।